छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के अथक प्रयास से जेपी क्रिकेट एसोसिएशन ने ग्राम धनोरा में स्थित अपने खेल मैदान में दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को गुणवत्ता युक्त अभ्यास के लिए इंडोर पिच निर्माण की सहमति दे दी है। इसके बाद दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े दिव्यांग खिलाड़ियों ने मेहनत कर इंडोर पिच का निर्माण कर शुक्रवार को विधिवत शुभारंभ किया। इस इंडोर पिच निर्माण से दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों में हर्ष का माहौल देखने को मिला। इंडोर पिच निर्माण होने पर छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने जेपी क्रिकेट एसोसिएट का आभार जताया है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा खिलाड़ियों से किए गए वायदे अब पूरे होने लगे हैं। अभ्यास के लिए जल्द ही इंडोर पिच की व्यवस्था जल्द ही की जा रही है। इसको धरातल पर उतारते हुए ग्राम धनोरा में जेपी क्रिकेट एसोसिएट के सहयोग से इंडोर पिच का निर्माण किया गया है। इस इंडोर पिच का दिव्यांग खिलाड़ियों को गुणवत्ता युक्त अभ्यास की सुविधा मिलेगी, जिससे नेशनल स्तर की प्रतिभाओं को भी उभारा जा सकेगा। गौरतलब है कि इसी एकेडमी में अभ्यास कर रहे दिव्यांग खिलाड़ी संदीप वर्मा का चयन हरियाणा के भिवानी में आयोजित दीपक लोहिया मेमोरियल दिव्यांग ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए किया गया है। ग्राम धनोरा में नवनिर्मित दिव्यांग क्रिकेट इंडोर पिच का शुभारंभ शुक्रवार को दिव्यांग खिलाड़ियों ने किया। इस इंडोर पिच पर अभ्यास कर दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी अपने अंदर छिपी प्रतिभा को निखार कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में अवश्य सफल होंगे। इसे लेकर छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण करने का गुरु सिखा रहे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसा कि छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने सभी प्लेयरों से वादा किया था कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रैक्टिस हेतु इंडोर पिच का व्यवस्था करेगी, तो इसी क्रम में जेपी क्रिकेट एसोसिएट्स के साथ में हमारा समावेश हुआ। हमने उनसे आग्रह किया कि सर आपके पास में इंडोर सुविधा उपलब्ध हैं। उन्होंने इस आग्रह को हमारे स्वीकार किया और आज जो मुझे ऐसा लगता है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ का बल्कि भारत का ये पहला इंडोर ओरिजिनल पिच है जहां पर आप आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बात के लिए मैं गौरवान्वित हूं कि इस चीज़ को करने का मौका, इसके उद्घाटन का शुरुआत मेरे दिव्यांग बच्चों के द्वारा किया गया है। दिव्यांग खिलाड़ी जो कि यहाँ मौजूद हैं उनमें कितना रुझान दिख रहा है क्रिकेट के लिए, तो वे समर्पित है भी। इस पिच के शुभारंभ से उनको क्या योगदान मिलेगा? मैडम, ये उनके आत्मविश्वास और उनके अंदर जो जज्बा है उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि उनको एक ऐसा माहौल हम दे पाएँ जिसमें वो आकर के प्रैक्टिस कर सके। सामान्यतः ग्राउंड में खेलते तो ज़रूर हैं लेकिन वो उस तरह की विशेषज्ञता नहीं होती है जिसकी आवश्यकता हमें आज है। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ जेपी क्रिकेट एसोसिएट्स का कि उन्होंने मेरे बच्चों को इस तरह का प्रैक्टिस का मौका दिया है। पहले तो मैं बता दूँ, जेपी इंडोर क्रिकेट जो हमारे भैया हैं और हमारी वाइफ है और एक और भैया है जो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, उनकी वाइफ के नाम से हमने ओपन किया हुआ है। हम लोग सिर्फ देख रेख करते हैं यहाँ पर और खुद भी क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट खेल लेते हैं थोड़ा आकर। बेसिकली ये जगह बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि लोगों को, हमने देखा क्रिकेटर्स जो होते हैं उनको प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं मिल पाती है और क्रिकेट उनमें उतना डेवलप नहीं हो पाता, तो हम एक अच्छा प्रैक्टिस का जगह बनाना चाहते थे ताकि यहाँ पे खिलाड़ी आएँ और अपने गेम के साथ अपना समय बिताएं और अपना स्किल लेवल बढ़ाएं, इसके लिए बनाए हैं। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इसका ये जो हमारा नेचुरल टर्फ है ये टोटली इंडोर है और ये मेरी जानकारी के अनुसार भारत में एकमात्र ऐसा टर्फ है जो परमानेंट नेचुरल है और इंडोर से ढका हुआ है, मतलब इसको घास भी उगेगा और पानी भी नहीं लगेगा, तो बरसात के समय भी यहाँ प्रैक्टिस की जाती है। और एक और गर्व की बात यह है कि अरुण सर से हमारी मुलाकात हुई थी नवंबर में, तो उनका बहुत ही मेजर योगदान रहा इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए। और जाहिर सी बात है दिव्यांग क्रिकेट या कोई भी क्रिकेट, उसको बहुत लाभ मिलेगा इसका, क्योंकि लोगों को प्रैक्टिस का जगह नहीं होता, यहाँ पे प्रैक्टिस का सर सुविधा उपलब्ध है। यहाँ सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक आप जब भी आएँ यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना स्किल डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं।
जैसा कि ये इंडोर पिच जो बना है यहाँ पर कितने खिलाड़ियों को मंच मिला है, यहाँ पर कितने खिलाड़ी जो है खेल करके आज आगे बढ़ चुके? अभी तो मैम ये नया है, यहाँ हमारे पास ऑलरेडी जो खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, कुछ खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे हैं, उन लोग यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आते हैं। बाकी एक दो खिलाड़ी ऐसे भी हैं जैसे मयंक है, उनका भी चयन ऊपर लेवल के लिए हुआ है। तो अभी और भी समय के साथ और भी खिलाड़ी मेरी आशा है कि यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से ज़्यादा बेटर बन के निकलेंगे। मेरा नाम तुषार स्वाम, मैं यहाँ पे एक हिसाब से कह लीजिए डायरेक्शन करता हूँ पूरा, मेरी वाइफ के नाम से है क्लब और एसोसिएट पार्टनर्स भी हैं। बहरहाल इस अवसर पर शामिल अतिथियों का सम्मान दिव्यांग खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक किया। ब्रांड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।